यस, जब भी आप किसी स्ट्रेस से गुजरते हैं, जैसे वो कुछ भी हो सकती है, जैसे कोई किसी की जैसे वफ़ात, या जो है किसी बच्चे की बीमारी, या कोई आपकी लॉस ऑफ जॉब, तो कोई भी ऐसा स्ट्रेसफुल इवेंट जब आपकी लाइफ में आता है, तो वो आपकी बॉडी जो है उसे एज एन एमरजेंसी के तौर पे जो है वो डील करती है, ठीक है। तो इस एमरजेंसी की सिचुएशन में और इसको डील करने के लिए जो है ना, आपकी बॉडी में जो एक हार्मोन रिलीज होता है उसका नाम है कॉर्टिसोल, ठीक है। अच्छा, कॉर्टिसोल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, और इसका पहले समझते हैं कि ये क्या कैसे जो है वो स्ट्रेस को डील करता है, और स्ट्रेस के बाद जो है डायबिटीज के साथ इसका आखिर क्या लिंक है, ठीक है। तो कॉर्टिसोल जो है आपके जो ग्लैंड्स हैं, जिन्हें कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड्स, और ये ग्लैंड्स जो हैं ये आपके किडनीज के ऊपर बिल्कुल बैठे हुए होते हैं, ठीक है। तो कॉर्टिसोल जो है ये इन्हीं ग्लैंड से जो है ये रिलीज होता है, सबसे पहले तो ये समझने की बात है। अच्छा व्यूअर्स, इस लूप को पहले समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये हुआ। अच्छा, इसमें ये है कि सबसे पहले जो है स्ट्रेस ने जो है आपका जो कॉर्टिसोल लेवल है, जो कि आपका स्ट्रेस हार्मोन है, उसको बढ़ा दिया आपकी बॉडी में, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेस हार्मोन है, जाहिर है इसका काम ये है कि बॉडी को जो है इमरजेंसी सिचुएशन में तैयार करना, ठीक है। तो वो क्या करता है कि वो ना ग्लूकोज का लेवल जो है आपके ब्लड में बढ़ा देता है, ठीक है। ये डिफरेंट इसके मतलब प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे वो प्रोटीन को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, और इसी वजह से जो है कैटाबॉलिक हार्मोन कहते हैं, तो वो एक अलग स्टोरी है, ठीक है। लेकिन रफली ये है कि कॉर्टिसोल जो है वो बॉडी में ग्लूकोज को बढ़ा देता है, ठीक है। तो अब जाहिर है ग्लूकोज आपको पता है कि हमारा फ्यूल है, हमारी एनर्जी है बॉडी में, और हमारे सारे फंक्शंस जो हैं वो ग्लूकोज पे जो है चल रहे होते हैं। तो जब स्ट्रेस आती है तो जाहिर है बॉडी को ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो उसको फिर जाहिर है ज़्यादा ग्लूकोज चाहिए होता है, तो उससे जो है वो ग्लूकोज बढ़ जाता है स्ट्रेस फुल सिचुएशन में, ठीक है। और वो कॉर्टिसोल की वजह से होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये इंक्रीज जो ग्लूकोज है वो जाहिर है इंसुलिन की प्रोडक्शन जो है, या उसकी आप कहें कि उसका रिलीज जो है वो, या खून में इंसुलिन की मिकदार जो है वो चीज़ जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये इस तरह से चला, कॉर्टिसोल बढ़ा, ठीक है, फिर उसने ग्लूकोज इंक्रीज किया और उसने जो है वो इंसुलिन को इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो अब इंसुलिन क्या करती है कि वो जल्दी से तेजी से जो है सेल्स में जो है वो ग्लूकोज को शिफ्ट करना शुरू हो जाती है, शिफ्ट करना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब वैसे तो ठीक है, ये मैकेनिज्म यहाँ तक तो ठीक है कि जब वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन हुई और ये फिर जो है इसने जो है इस सारे कॉर्टिसोल का जो एक लूप थी उसने बॉडी को पूरी एनर्जी दी कि वो जो है वो फाइट करे इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, प्रॉब्लम वहां पे आती है जब जो है कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ा ही रहता है, ठीक है। यानी देखे ना, अब जैसे आप जैसे 15 मिनट के लिए स्ट्रेस में गए, तो फिर ये एकदम से ये लूप शुरू हुई, और आप उसके बाद फिर नॉर्मलाइज हो गए, ठीक है। तो फिर ये लूप ब्लॉक हो गई, ठीक है, ये लूप बिल्कुल नॉर्मल हो गई, आपका ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल हो गया, सारा कुछ, कॉर्टिसोल लेवल ड्रॉप हो गया, इंसुलिन लेवल भी मतलब कम हो गया, ठीक है। लेकिन अब मसला वहां पे आता है जब एक कॉर्टिसोल का लेवल अप ही रहता है, ठीक है। जैसे सारा दिन आप स्ट्रेस में रहे, सारा दिन आप स्ट्रेस में रहे, कॉर्टिसोल का रिलीज होता रहा, वो ऐसे ग्लूकोज को बढ़ाता रहा, वो इंसुलिन को बढ़ाती रही, और इस तरह से ना ये लूप जो है वो चलती ही रही, ठीक है। फिर उसके बाद आप जो है काफी हफ्तों जो है वो इसी लूप में रहे, आपका कॉर्टिसोल लेवल, आपका स्ट्रेस हार्मोन लेवल जो है वो ड्रॉप ही नहीं हो रहा था, ठीक है। तो इस सिचुएशन में ये होता है कि जो इंसुलिन है वो जैसे अब सेल्स में शिफ्ट कर रही है ग्लूकोज, तो वो सेल्स जो होते हैं वो काइंड ऑफ फेड अप हो जाते हैं, ठीक है, कि ये बार बार इंसुलिन हमें ग्लूकोज क्यों दे रही है, ठीक है। तो वो काइंड ऑफ वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं टुवर्ड्स इंसुलिन, ठीक है। तो वो यानी रिस्पॉन्ड ही करना बंद कर देते हैं टुवर्ड्स इंसुलिन ना, तो उस सिचुएशन में ये होता है कि फिर आपको जो है डायबिटीज डायग्नोज हो जाती है। यानी अब जिसमें खासतौर पर जिन लोगों में टेंडेंसी है कि जिनके जैसे अब फैमिली में डायबिटीज है, तो उन लोगों में ये फौरन से ये चीज़ जाहिर होना शुरू हो जाती है। लेकिन जाहिर है ये एकदम से नहीं होता, लाइक काफ़ी महीने, जैसे अगर आप स्ट्रेस में रहे काफ़ी महीनों तक, और मतलब ये काफ़ी हफ्तों तक, तो फिर ये ऐसी सिचुएशन में जो है आपको डायबिटीज़ होने का खदशा होता है। तो ये एक छोटी सी टॉक थी आप लोगों के लिए।